ऑफ 5/9, क्योंकि थ्योरी चीजें तो ऑलमोस्ट हो गई हैं, ठीक है ना। अब तो अपना काम क्या है, क्वेश्चंस लगाने हैं, उसी से थ्योरी बन भी जाएगी, आगे जरूरत पड़ेगी तो थ्योरी बनेगी उसी से, ठीक है ना बेटा। यस सर। चलो अब इसमें इसमें पूछा क्या था मेरे बच्चों से, log 2/15। हाँ देखते हैं, अभी देखते हैं। देखो ऐसे मुझसे कहा गया, बिल्कुल मैं भी करके देख लेता हूँ, और मुझे पता है प्लस वाली चीजें कहाँ जाएंगी भाई अपनी, इनटू में तो बिल्कुल इस तरीके से चला जाएगा अपना सब कुछ। यस है जी बेटा, अब इसको सिंपल बनाना है बस अपने को। log 2/5 15। क्लियर है मेरे को? यस सर। चलिए आगे बढ़ जाओ बेटा। यस सर। यस सर। यस सर। चलो इसको देखो, अगर क्लियर नजर आ रहा है तो ट्राई करो, अदरवाइज मैं बताता हूं अगर साफ नहीं दिख रहा है आपको। ये है अपना log 15 माइनस log 6 अपॉन log 20 माइनस log 8। क्या कहते हो भाई? ध्यान से करना मेरे बेटा। चलो देख लेते हैं, मैं भी देख लेता हूं बेटा। ये अपना log 15/6 तो ऊपर आना चाहिए, यस नो? यस सर। यस सर। अपॉन log 20/8 तो क्या बनेगा? log 15/6 माइनस log 20/8। नहीं ये माइनस नहीं जाएगा ना मेरे बेटा, अब देखना क्या आएगा। वन। यस आया, कुछ समझ क्या आया? मैंने यहाँ पर ना, यहाँ पर तो अपना एडजस्ट हुआ है थ्री से। यस सर। थ्री से, यहाँ तो थ्री से डिवाइड हो गया, यहाँ डिवाइड किससे हुआ है? फोर से, अपना फोर से डिवीजन गया है। अब यहाँ कट करके मेरा वन आ जाएगा, ठीक है ना बेटा? यस सर। यस। स्क्रीनशॉट बनाना चाहे तो बना ले, बाकी तो क्लियर हो ही गया होगा, इजी। यस सर। चलो आगे। यस सर। आपको आपको वैल्यू किसकी दी हुई है बेटा? log 2 की। और पूछा log 5। बेस ऐसे केस में जब न्यूमेरिकल चलते हैं ना, बेस 10 अंडर स्टूडेंट बेटा, आप मान सकते हैं 10 बेस कॉमन लॉग। क्या मैं ऐसा मान लूं? चलो पहले आप अपना सोच लो फिर बताऊंगा, आप ट्राई करो। कुछ समझ आ रहा है मेरे बच्चों को? सर आ गया। 0.0। क्या मैं ऐसा मान लूं 5 × 2/2? क्या कहते हो? वन माइनस 0.3010। क्या यहां से आंसर बन जाएगा अपना? यस सर। बस लगा दो।
0.6990। हाँ ठीक है, बस कैलकुलेशन अपने अच्छे से होनी चाहिए। सभी बच्चों को क्लियर हुआ ना मेरे बच्चे? यस सर। चलो स्क्रीनशॉट बना लो। हो गया अपना? यस सर। यहां आपसे वैल्यू जो पूछी गई है, लॉग बेस में अपना 16, 64 और फिफ्थ रूट है इसका। चलो करके देखो ध्यान से कैसे करोगे। और किसी का भी आ रहा है भाई? कुछ बन के आया? क्या ये बेस की पावर दिख रही है मेरे को भाई? यस सर। और ये टू की पावर टू कितना की होगा? पावर फाइव। फाइव 64 को कर रहा हूं ना मैं तो। और ये होल पावर कितनी बनेगी? 1/5। हाँ तो थोड़ा सा बन गया ना अलग टाइप का। ये 6/5 ऊपर अपॉन कौन? 4। लॉग में क्या क्या बचने वाला है? बेस 2 और यहाँ भी नेचुरल नंबर, यहाँ भी 2 ही है आपका, तो ये तो 1 हो जाएगा ना अपना। क्या कहते हो? थ्री बाई टेन 3/20। यस सर। 20 5/4 = 20। नहीं वो मैंने 2 से कैंसिल कर लिया। यस 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 आपने काट लिया। राइट सर। हाँ सही है सर। ठीक है कोई बात नहीं, हो जाता है, लेकिन एग्जाम में नहीं होना है ऐसा गलत। ठीक है ना, एग्जाम में गलती नहीं करेंगे। यस कोई बात नहीं, अभी तो लर्निंग टाइम है, आप सीख रहे हैं अभी। सही चल रहा है ना? आ गया क्लियर? यस सर। चलो स्क्रीनशॉट भी ले लेते हैं हम लोग। अपने ना कोई रजिस्टर या कॉपी कुछ ऐसा जरूर बना लेना जहां पे ये सब करते रहो आप। ठीक है? यस सर। आगे बढ़ो बेटा। यस सर। बहुत अच्छा है ये भी। आपको गिवन क्या है? लॉग बेस 4, 3 की वैल्यू उन्होंने एक्स बोल दी है और पूछा किसकी वैल्यू को है? लॉग वो भा नाम दे रखा है टीना। ध्यान देना भाई, ध्यान से सोच के करना। ये वैल्यू आपसे पूछी गई है भाई, ध्यान से। बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके ना सारे कैलकुलेशन निकाल देगा, यहीं पे सारी कैलकुलेशन निकलवा लेगा आपसे। पावर भी, मल्टीप्लाई डिवाइड भी, सब चीज सीखने को मिलेगी इसमें। चलो थोड़ा लेट हो रहे हो, मैं करता हूं इसको, आप समझेंगे। क्या मुझे इतना समझ में आ रहा है यहाँ पर कि भाई दोनों की पावर तो ब्रेक करनी पड़ेगी अपन लोगों? yes. ऐसे बनाइए तीनों जो बेस है उसका, यहां भी इस तरीके का बनेगा। यस नो? क्यों बेटा? यस सर। क्या अब मुझे पता है कि ऊपर पावर ऐसे बनने वाली है, ऐसे ही आपका बेस वाली पावर नीचे बनने वाली है? हो गया। बचा कौन? ये लॉग में बेस 3 और ये 4 की पावर 3। क्या कहते हो? आया समझ? नहीं आया है बेटा? नो सर। नहीं आया समझ? आ गया सर। थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूं। यस सर। ये जो पावर है दिख रहा है मेरे को, ये पावर तो समझ में आ गई ना, मैंने 1/4 पावर वगैरह बनाई है। यस सर। अब देखो इसको लोगे आप यहां पर ऊपर,
और इसकी पावर आती है डिवाइड में ऐसे, यहाँ पे ऐसे तो जाता है ना। यस यस सर, ये ऐसे है तो इसको a अपॉन b log यहाँ पर q और ये p, ऐसे तो लिखोगे आप, यही तो प्रॉपर्टी है ना। यस सर। हाँ तो क्या मैं ये मान लू ये कट जाएंगे अपने? यस सर। बची हुई चीज क्या होगी मेरे बच्चों की? बची हुई चीज होगी थ्री थ्री log log थ्री बेस थ्री, ऐसा होगा ना मेरा भाई? यस सर। अब लेकिन यहाँ तो ये दिया हुआ था बेस चेंज, बेस चेंज प्रॉपर्टी याद है मुझे। मैं क्या करने वाला हूँ, मैं वन अपॉन करके बेस कर देता हूँ ओपोजिट। यस सर। इसका मतलब इसकी वैल्यू वन अपॉन एक्स नहीं बनी, थ्री अपॉन एक्स क्या आएगा मेरे बच्चों का? थ्री अपॉन एक्स। आया क्लियर? नहीं आया? आ गया सर। चलो स्क्रीनशॉट बना लो तो मेरे बच्चों। नोट कर लिया सर। गुड। और बच्चा कोई स्क्रीनशॉट बना ले तो बना लो, नहीं तो फिर आगे निकल ही रहे हैं हम लोग, चल रहे हैं। हो गया बेटा? चलो इसको लगाते हैं। क्वेश्चन क्या है वो रिपीट कर रहा हूं मैं यहाँ पे। इसने कहा लॉग बेस एक्स है वन अपॉन 243 इक्वल टू माइनस 5 है, ये आपको दिया हुआ है और एक्स पूछा जा रहा है, सही है बेटा? क्वेश्चन क्लियर? यस सर। निकालो जरा वैल्यू निकालो इसकी। एक्स 3 बताया है सभी ने, और भी बच्चे ट्राई करो फिर अगला देखते हैं, फिर मैं बताता हूं तो टैली करेंगे क्या वर्किंग सेम है हम लोगों की, ठीक है ना? सर एक्सप्लेन कर दीजिए। एक्स थ्री है। चलो क्या मैं ऐसा मान लूं, देखना ध्यान से, जब मैं एंटीलॉग लेता हूं तो ये 243 इक्वल टू एक्स पावर माइनस 5, क्या मैं समझ पाया ये बात? क्या ये क्लियर है बात? सर एक्स 3 आ रहा है। गुड। अब बेटा मैं इसको 1 अपॉन 3 की पावर 5 बना लेता हूँ, ये भी 1 अपॉन एक्स पावर 5 हो जाएंगे, क्या कहते हो भाई? यस सर। बस हो गया अपना एक्सपर्ट थ्री। गुड, बढ़िया है, अच्छा था, छोटा था, अच्छा था। आ गया सबका? यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो। चले आगे? यस सर। यहां आपको 7 और उसकी पावर बोल दिया गया 343 बेस और 27, इसकी वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, इसकी वैल्यू पूछी जा रही है। सर 3। यस सर। मुझे तो लग रहा है 3 नहीं आएगी। चलो यहां पर देख रहा हूं मैं इजी गोइंग वाले मेथड पे आता हूं। इसको कर दो 7 क्यूब, क्या कहते हो? ठीक लिखा? यस सर। डिवाइड और इसको कर देते हैं 3 क्यूब। यस सर। अब ये पावर पावर का तो गेम हट ही जाएगा और बचने वाला है कुछ इस तरीके का। अब ये प्रॉपर्टी होती थी। यस सर। प्रॉपर्टी थी कि अगर log ex ऐसे e की पावर में तो ये x बन जाता था। यस सर। तो ऑब्वियसली ये आपका x बनेगा। यस सर। ठीक है। यस सर। चलो बढ़िया था अपना, ले लो स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं फिर।
यस सर, ये क्वेश्चन है, थ्री की पावर आपको दिया हुआ है, इस तरह से घात दी हुई है सर, एक्स इज इक्वल टू फोर। अच्छा यस सर, यहां पर अपना थ्री, फिर पावर, फिर ये थ्री का स्क्वायर एक्स। तो किसी ने ये पियर्सन की बुक पढ़ी होगी इसका। सर कौन सी? पियर्सन 9th 10th आती है ओलंपियाड को लेकर के। सर पता नहीं। कोई बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। ये अपना ऐसा बनेगा। यस सर। अब क्या करोगे? रूट एक्स बन जाएगा। ये रूट एक्स बन जाएगा और ये हट जाएंगे। यस सर। और जैसे ही स्क्वायर होगा एक्स इज इक्वल टू फोर, एक्स फोर बन जाएगा। यस सर। हाँ बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। कर दो अपना फटाक से स्क्रीनशॉट। हो गया? यस सर। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको गिवन क्या है सर? P इज इक्वल टू 10। लॉग एक्स वाई जेड। सर 10 आएगा। पहले इसको पकड़ते हैं अपने को, इतने को। ये प्लस में है, बेस सेम है। क्या है ये सर? प्लस में है और बेस क्या है मेरा? सेम। तो मैं क्या लिखने जा रहा हूं? लॉग एक्स वाई जेड और ये सब अपना एक्स वाई जेड। यस सर। अब इधर तो हो गया वन। क्या कहते हो, वन हो गया ना अपना? यस सर। बस हो गया अपना P इक्वल टू 10 पावर 1। 10 ठीक है। यस सर। बहुत अच्छे भी, बहुत अच्छे। स्क्रीनशॉट बना लो बेटा। बन गया सर। सर M इज इक्वल टू सर 25। M इक्वल टू 25। तो कहां से मिल रहे हैं सीधे सीधे क्वेश्चंस आपको? सर पहले से की है प्रैक्टिस तो। अच्छा तो ये क्वेश्चन कहां मिले सेम? क्यों जी? हाँ भाई स्क्रीनशॉट ले लो। बढ़िया आंसर आया था अपना 25। ले लिया सर। रेडी है? यस सर। और किसी को कुछ नहीं पूछना होता भाई? समझ आ रहा है नहीं आ रहा कुछ तो बोलो। आ रहा है सर। आ रहा है, आ रहा है। गुड। चलो अब ये वाला भी आ गया। सर A इज इक्वल टू 4। हाँ
बहुत सुंदर। A इक्वल टू फोर, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। बाकी और साथी लोगों को करने तो देखते हैं क्या बताते हैं भाई। इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो अपनी प्रॉपर्टी पे ही आ जाते हैं। ए स्क्वायर माइनस वन, ए माइनस वन, क्या कहते हो, क्लियर है सबको? यस सर। अब ये अपना ए स्क्वायर माइनस वन किसके इक्वल, 15, और ये इधर जाकर के अपना पॉजिटिव, और ए इक्वल टू, अभी थोड़ी देर के लिए समझ लो, ठीक है? यस सर। तो यहां से दो केस बनते हैं, ये दोनों, यस सर, बट नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि ये चीज नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है ना? यस सर। तो ये अपना आंसर हुआ। चलिए बेटा। यस सर। आगे भाई अपना। यस सर। नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता सर? हाँ बेटा, ये लॉग में ना, लॉग में नेगेटिव नहीं होता ऐसे। लॉग माइनस एक्स के लिए हमने बात की थी कि नेचुरल नंबर लेना होता है, हमने बात की थी नेचुरल नंबर को लेकर। यस सर। ठीक है बेटा। यस सर। यस सर। तो ये चीज नहीं हो सकती। आगे बढ़ जाऊं? यस सर। बहुत ही अच्छा वाला क्वेश्चन दे दिया, देख लो, दिख रहा है क्या है? यस सर, सब ब्लर हो रहा है। अच्छा चलो मैं लिख देता हूं, अब सही आ गया। ये पूछ रहे हैं लॉग ब्रैकेट टेन, टेन डिग्री सर, जीरो, हाँ राइटिंग समझ में आ जाती है भाई? यस सर, बढ़िया है आपकी राइटिंग। अच्छा थैंक यू। नहीं, मैथ वालों की समझ में नहीं आती ना राइटिंग। यस सर, जीरो। हाँ जीरो, एग्जैक्टली जीरो। मैं ऐसा मानता हूँ कि ये बातें हम ट्रिग्नोमेट्री में करके आए हैं अपनी। यस सर। यस सर, है ना? तो ये अपना लॉग कॉट टेन, यस सर, ये अपना लॉग कॉट ट्वेंटी, यस सर, ये टेन अपना 45 है, जिसकी वैल्यू अपनी लॉग में जीरो आ गया, वो जीरो हो जाएगा। यस सर। बाकी लॉग टेन ट्वेंटी और लॉग टेन टेन, टेन टेन। अब ये जब सभी चीजें प्रोडक्ट में जाएंगी तो log सब कुछ कट करके लॉग वन बनेगा, तो जीरो आ जाएगा, और ये होता है अपना जीरो। यस सर। यस सर। बेटा। यस सर। अब ना एक क्वेश्चन आने वाला है आपके पास। यस सर। बहुत अच्छा है और उसके कई पार्ट। पहले बताओ दिखाई क्लियर दे रहा है नहीं दे रहा? यस सर, क्लियर दिखाई दे रहा है। चलो मैं इसको थोड़ा अंडरलाइन कर देता हूँ। एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये पूरा है, फिर यहां तक का एक पार्ट है, डी पार्ट ये, ये E पार्ट, F पार्ट और G। तो आप मेरे को लगता है देखते ही बता दोगे क्या आएगा आंसर। यस सर, जीरो। जीरो सर। तो इसके बारे में तो चर्चा ही नहीं करनी हमें, ठीक है? बाकी आप लगाओ और फिर मैं आपको समझाऊंगा अगर नहीं आता है। सब पहला वाला 1/3 ये वाला। यस सर। ठीक है, वेरी गुड। दूसरा वाला जीरो, ये वाला जीरो। यस सर। ठीक है,
सर सी वाला भी जीरो। इसमें बेस चेंज प्रॉपर्टी कर दोगे, इनको ऐसे लिख लोगे आप, लॉग 224 ऊपर चला जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई में। हाँ, ऐसे इसको लिखोगे लॉग बेस 2 एंड 96 और ये भी यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, सर लॉग 224 हुआ है लॉग 212 में। सर फोर तो आला, फोर तो आला नाइन। नाइन यस सर। इसे आप लिखोगे 2 की पावर 3/2। बिल्कुल इस तरीके से लिखेंगे और फिर आगे डिवाइड में जाएगा तो उल्टा हो जाएगा। यस सर। बेस चेंज प्रॉपर्टी सर 5 की पावर 4 आ रहा ये वाला। यस सर। हाँ 5 पावर 4 बिल्कुल ठीक है। सर ये 0 लास्ट वाला भी 0 है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही भाई। कितने बच्चों को ये समझ आ गए? आ गया सर। आगे बढ़ जाएं। यस सर। लो भाई मजेदार क्वेश्चन आ गया आपके सामने। सबसे पहले लेफ्ट वाले चीज में आप थोड़ा सा बदलाव करो। क्या मैंने ये बदलाव में कोई समस्या हुई मुझे समझने में? नो सर। ये बेस चेंज प्रॉपर्टी यूज करिए। क्लियर? इक्वल टू अभी कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा उसको छोड़ दो अभी। बस 5 पावर 4। क्या मैं 5 पावर 4 तक क्लियर हुई यहां तक? यहां तक अपना ठीक है मेरे बच्चों? यस सर। क्या मुझे ऐसा याद है कि थर्ड बेस वाले केस में हम क्या करते थे? इसे मैं ऐसे नहीं लिखूंगा कि बेस नीचे वाला हो जाएगा और 16। सोच लो भाई, अपना बेस 10 था ना, बेस 10 क्या कहते हो? है बेटा बेस 10 है ना ये, तो ये तो एलिमिनेट कर दिया ना मैंने, थर्ड बेस है ये, मतलब एक थर्ड नंबर इंक्लूड किया था मैंने, कहा था ना बेस चेंज प्रॉपर्टी की है। यस सर। याद करो इस बात को, ये चीज याद करो मेरे बच्चों। याद है कुछ? अपन लोगों ने रिवर्स मारा है, अपन लोगों ने ये मारा है रिवर्स, ऊपर बदल दिया। ठीक है भाई, आवाज नहीं आ रही मेरे को आप लोगों। यस यस सर, आ रही है। आ रही है आवाज? यस सर। ठीक है, तो क्या ये चीज क्लियर हो गई कि इसको मैं ऐसे बदल दूंगा? यस सर। अब इक्वल में आ जाओ, लॉग ई टू इंटू फोर लॉग के और यहाँ 5, इतना पार्ट इसकी वजह से बन गया। ठीक है, इसे क्या लिख सकते हैं भाई? 2 पावर 4। ऐसे जाएगा नहीं जाएगा ये बताओ आप। क्यों बेटा? यस सर। और बेटा इक्वल में कौन कौन थे अपने? लॉग
e2 into 4 log k base और ये 5. अब ये पावर आगे आ जाएगी, यस नो? यस सर. और log e2 और log e2 कट जाएंगे दोनों तरफ से. यस सर. बची हुई कहानी क्या होगी? बची हुई कहानी हो जाएगी 4 इक्वल टू 4 log k और ये 5. क्या यहाँ पर मैं ये बात मान लू कि अब 4 4 भी कट गए वन टाइम? यस सर. यस. और k इक्वल टू कितना दे जाएंगे मेरे को यहाँ से? अब ये 5. एंटी लॉग लूंगा ना मैं, के पावर वन है ना, एंटी लॉग में जाऊंगा तो ऐसे होगा ना, के पावर वन इक्वल टू 5. यस सर. बढ़िया लगा क्वेश्चन, ये तो मजा ही आ गया होगा इसमें तो. यस सर जी, ऐसे बहुत मजेदार क्वेश्चन आने वाले हैं आगे आगे. चलो स्क्रीनशॉट ले लो. डन सर. हो गया, गुड. लो एक और दिया है, बहुत ही अच्छा है क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा. यहां पर x की वैल्यू पूछ रहा है मेरे को. भाई इतना तो समझ में आ रहा होगा कि बेस 2 है. यस सर. यस सर. इसी बात पे कहानी अपनी बनाओ, बेस 2 पे इस चीज को एडजस्ट करो. बेस 2 पे आप इसे 2 इनटू 1 मान सकते हो? यस सर. और बेटा इसे लिखो फिर 2 इनटू लॉग 2 2 ऐसे, और फिर कहो लॉग 2 बेस पे 2 पावर 2 ऐसे, और बाकी चीजें अब इन्वॉल्व करो इसके साथ. ऐसे हो गया ना, अभी अपना दिख रहा है. क्या कहते हो, क्लियर हुआ कुछ? यस सर. अब अपना लॉग की प्रॉपर्टी पे जंप कर जाओ. लॉग की प्रॉपर्टी जंप करा दोगे तो ऐसे कुछ बनेगा. क्या कहते हो, मैंने ठीक लिखा क्या भाई? इस तरफ के तो ये प्रोडक्ट में आ जाएंगे ना बेस सेम प्रॉपर्टी लेते हुए. यस सर. तो वो जो आपका 2 पावर 2 है वो मेरा 4 आएगा. 4. और फिर वो इसके साथ अपना प्रोडक्ट में गया. दैट्स इट. अब आपका काम है यहां से एक्स निकालना. आपका काम देखते हैं कितने बच्चे करते हैं. x की 2 वैल्यू आएंगी 1 और 2. x की 2 वैल्यू आ जाएंगी 1 एंड 2. One and two. भाई देखो मेरे को लग तो रहा है सही बोला है आपने. एक काम और भी होता है ना मेरे बेटा मेरा काम ये भी होता है कि मैं ना ओरिजिनल में भी सेटिस्फाई करके देखूंगा लेफ्ट राइट. हमने बात की थी ना, कई बार ऐसा होता है कि आंसर तो आ जाते हैं लेकिन वो ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करते. तो जो ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे उनको इग्नोर करूंगा मैं. ठीक है. चलो मैं इसको ऐसे लिख सकता था 3 पावर 2x अपॉन 9 प्लस 7 इक्वल टू 4 इंटू 3 पावर x अपॉन 3 प्लस 4. क्या कहते हो, सही बनाया मैंने?
या तो टी लिख लो या वाई लिख लो अब इसको। तो यहां से क्वाड्रेटिक बन के आ रही होगी आप लोगों की। क्या मैं सही पढ़ रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ? टी स्क्वायर प्लस थ्री हो जाएगा इक्वल टू फोर बाई थ्री और ये हो गया अपना टी। क्या मैं ऐसे सही लिख पाया हूँ चीज? बस अपना एलसीएम लेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट वगैरह करेंगे, क्वाड्रेटिक प्योर बनाएंगे और यहां से जो आपका टी आएगा वो आपका एक तो थ्री आ रहा होगा, ठीक है, और एक नाइन शायद आ जाएगा। नाइन आ रहा क्या रहा भाई? टी स्क्वायर माइनस 12t प्लस 27 इक्वल टू जीरो। बेटा ऐसी कोई इक्वेशन बन रही है क्या? यस सर। यस सर। हाँ तो एक t अपना 9 भी बन रहा होगा, बन रहा है? यस सर। एक थ्री। हाँ अब उनको यहां से कंपेयर करोगे ना आप, तो भाई थ्री पावर एक्स एक बार आप रखोगे थ्री। यस सर। ओके ऐसे रख लूंगा, आ गया मेरा वन एंड टू, वन एंड टू, तो एक्स इक्वल टू वन एंड टू, दो आंसर मेरे आएंगे। सर एक बार और सर एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए सर दोबारा। ओके ओके, देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, जो ये लॉग टू था उसको मैंने पहले बनाया टू इंटू वन, जो टू लिखा था अकेला टू था, ठीक है, ये दिख रहा है आपको? यस सर। अब इस टू इंटू वन, वन को लिखा लॉग टू टू, सेम बेस पे सेम नेचुरल नंबर की वैल्यू जो है वो वन होता है, ठीक है? यस सर। अब मैंने इसको भेजा पावर, आ रहा है क्लियर? यस सर। ये हो गया अपना फोर। अब लॉग की प्रॉपर्टी कहती है कि जब प्लस में हो तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। यस सर। दोनों तरफ से लॉग हटा दिए मैंने, उस तरफ के तो ये दोनों मल्टीप्लाई में चलेगा और इधर से लॉग दोनों तरफ लॉग टू कैंसिल हो गए, एंटी लॉग ले लो, ठीक है? यस सर। Yes. उसके बाद ये जो माइनस पावर है दोनों की, इन्हें आप डिवाइड में ले आए। यस सर। और साथ ही मैंने इधर जो है ये इसके साथ भी प्रोडक्ट किया और यहाँ भी किया। यस सर। अब मैंने थ्री की पावर एक्स को या तो टी ले लेना है या वाई ले लेना है। यस सर। और बस वहां से ये जो वाई रखोगे तो ऐसे क्वाड्रेटिक बन जाएगी, उसे और सिंपल बनाओगे प्योर क्वाड्रेटिक आएगी, और यहां से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, वही बीच का जो पद है उसके गुणनखंड करना, ठीक है? यस सर। आया सभी को क्लियर? यस सर। यस सर। गुड, स्क्रीनशॉट ले लो। यस सर। हाँ थोड़ा सा कठिन हो गया है, चलो एक आसान आ जाता है नीचे। दिख रहा है मेरे को क्या क्या है बेटा? मैं लिख देता हूं, अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं लिखता हूं यहां पे। लॉग थ्री अपॉन 18 प्लस लॉग 45/8 माइनस लॉग 15/16। सिंप्लीफाई करो जरा इसको, चलो अपना आते हैं। प्लस वाली चीजों को कहां लिखना होता था? मल्टीप्लाई। और जो डिवाइड वाली है मैं उसको रेसिप्रोकल उल्टा व्युत्क्रम करके मल्टीप्लाई ही ना बना लूं,
क्यों रहा है सर? क्या हुआ भाई, आवाज कट गई? वन वन आ रहा है वन। अच्छा चलो अब इसको देख लेते हैं, देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यस सर, ठीक है। ये लॉग वन आया मेरा बेटा, जीरो लॉग वन आया अपना जीरो, ठीक है। बना लो स्क्रीनशॉट, बढ़िया है, बना लिया सर। हाँ आसान आसान सी चीजें हैं वैसे तो, कहीं कहीं पे लो। इसको प्रूव करने के लिए आ गया भाई आपको वन, दिख तो रहा होगा क्या क्या चीजें हैं। वन लाना है, आया मेरे बच्चों का कुछ? सर बेस चेंज करके सीधे वन वन बी वन करते। हाँ जैसे ही इस तरह से लिखोगे एबीसी लॉग एबीसी बेस एबीसी, हाँ बेस चेंज प्रॉपर्टी से ये अपना बन गया, ये दोनों सेम हो जाएंगे तो ये वन हो जाएगा, ठीक है, गुड। चलो स्क्रीनशॉट भी लेना चाहे तो ले ले बच्चे, आगे वाला फिर से भयंकर आ रहा है, तैयार हो जाओ। कर दूं बेटा आगे? यस सर। पहले बताओ दिखाई दे रहा है क्लियर? यस सर। चलो ट्राई करो फिर बात करते, और एक बात और बता दूं, अगर थ्योरी बहुत अच्छे से आती है रूल्स, एक मिनट में आंसर है, एक मिनट भी नहीं लगेगा यार, 10 seconds, देख लो कितना कितना आसान बता दिया है। हाँ रिस्पॉन्स जो है वो न्यूट्रल वाले नहीं होते, न्यूट्रल गियर में गाड़ी छोड़ दिए स्टार्ट है, 10 है सर, आंसर 10 है सर, 10 है। चलो मैं बहुत बहुत ही जल्दी से अगर समझना चाहूं तो लेफ्ट वाली चीज मेरे पास ये बन गई AQ माइनस BQ, हाँ ये हो गया अपना XQ-1 X=1OOO। देखो कितना बढ़िया था ना क्वेश्चन तो, यस सर, ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते रहेंगे अभी। लो ये ना यहाँ पे ए है, बी से, हाँ मैं इसको रेसिप्रोकल फॉर्म में लिख लेता हूं। पहला काम माँ, मीना दीदी का फोन आ रहा, मीना दीदी का फोन, सर हाँ भाई काले समझ में आ रहा है? ऐसा ए इक्वल टू माइनस सर वर्गमूल रूट, ये क्यूब रूट हो गया ना घनमूल, यस सॉरी वो वर्गमूल आ गया गलती से जी, घनमूल। कोई बात नहीं, बिल्कुल बढ़िया भाई, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे। ठीक है यस सर, चलो इस पे फोकस बनाओ, वैल्यू का ध्यान रखना अपनी,
समझ में तो आ रहा होगा ना आपको log 2 yes, log 3 बेटा इन्हें तो इतना log 2 log 3 की वैल्यू याद कर लो यस सर याद है हाँ 0.3010 और 4771 डेसिमल ठीक है 7 डिजिट तक होती है ये log 2 की एक्चुअल वैल्यू log 3 की एक्चुअल वैल्यू यस सर और अपना 4 प्लेस तक बहुत है ये यूज होती है अभी ना आपके लेवल पे इतना ही काफी चलो क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है ये बताओ हो रहा है सर देखते हैं मेरे जैसा किसने सोचा है मैंने जैसे सोचा है इसे करने का किस किसने ऐसा सोचा है देखते हैं क्या क्या फैक्टर करके ये नहीं सोचा और बढ़ो आगे सर इससे पहले वाला क्वेश्चन दिखा दो वो यहाँ नेट नहीं चल रहा ना तो इसलिए नोट नहीं कर पाई देख लो कोई दिक्कत नहीं बेटा सर हो गया मैं तो ऐसा ले रहा था कि मैं ऐसे बना लेता हूँ इसको ये नहीं सोचा था सर अब देखो नहीं तो 5 आ रहा था उसमें यस सर अब देखो कितना अच्छा सा लगा बड़ा आसान सा बन गया ना यस सर ये अपना वन होता है वन प्लस थ्री सिंपल तो हो ही लेगा अब अपना यस सर बना लो स्क्रीनशॉट ये ब्लर हो गया थोड़ा बना लिया सर साफ तो आ नहीं रहा था आई थिंक पहले बना लिया था अच्छा चलो बेटा आगे बढ़ जाए क्या यस सर चार्जर लगाओ ना तुम लगाना नहीं चाहिए पहले तुम घर पर था क्वेश्चन है log base 16 x equal to 2.5 x equal to question mark 10.24 third option चल फिर चल अंजू दीदी भी लिख दी और किसी का भी आया कुछ भाई इसे हम लिखेंगे x इक्वल टू 16^5/2 बिल्कुल और ये हो जाएगा 4^5 और ये होता है अपने 1024 इसे आप 2^10 ना ये सब वैल्यू याद रखने की कोशिश करो जितना याद रहेंगे ना उतना कैलकुलेशन में हेल्प मिलती है ना यस सर चलो स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे मेरे बच्चे ले लिया सर चलिएगा इस क्वेश्चन में भाई मुझे याद है बिल्कुल इसी टाइप का एक क्वेश्चन लगाया हम लोग यस सर है ना बताओ जल्दी से क्या बनता है आंसर ऐसे खुशी बोला नहीं बस
सर जीरो जीरो आएगा। चलो जीरो टिक कर दिया है मैंने, बाकी अभी देखते हैं और बच्चे हमारे क्या बोल रहे हैं। सर जीरो है आंसर, जीरो है। हम लोग क्या कर लेते हैं, लॉग 18/14 इंटू 35/48 इंटू 16/15 ऐसा ही तो अपनाएगा, फिर काटा पीटी करके फिर अपना काटा पीटी करके लेट आ जाएगा। लॉग वन आ रहा है, जीरो पक्का? यस सर। कभी ऐसा ना हो मेरे को कि सर ने तो हमारी बातों का विश्वास कर लिया फिर आगे भी धोखा दो मेरे को। नो चलो आगे देखो, आगे देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी यार, बहुत ही बेहतरीन। दिखाई दे रहा है क्लियर क्या है चीजें? यस सर। हाँ चलो लगाओ इसको। तो क्या मैं मान लू कि वर्किंग मेरे को समझ में आ गई कि डिनोमिनेटर जो बेस है बेस की पावर अपनी बाहर आ जाएंगी सारी, फिर वो कॉमन बन जाएगा और फिर सिंप्लीफाई हो जाएगा? क्यों प्लस वन बाई फोर ऐसा ही तो होगा भाई? यस सर। बस ठीक है अपना सेवन बाई, तो थ्री की पावर फोर बनेगा मेरे ख्याल में बाद में, फाइव फाइव बनेगा। यस सर। अच्छा हाँ, ये फाइव सेवन से कटने के बाद ये फाइव बच जाएगा, फोर फोर अपने निकल जाएंगे। यस सर। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाकई में बढ़िया है। लगे रहो, लगे रहो मेरे बच्चों। लो एक और लो तो बढ़िया है। सर ये अंदर लॉग के बेस में क्या है यहाँ पर ना? सर हाँ, यस सर। ये मैं लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। लॉग यहाँ पर नाइन, उसके बाद अगेन लॉग यहाँ एट, ये एक्स और ये लेस देन जीरो। यस सर। लॉग की प्रॉपर्टी थोड़ी सी भी सही से लगा दी ना तो हो गया काम। अब माइनस इनफिनिटी टू एट, माइनस इनफिनिटी टू सेवन, वन टू इनफिनिटी। हाँ अभी फंस जाते हैं। यस सर, माइनस नहीं हो सकता है। यस, ये चीज तो अवॉइड करनी करनी है अपन लोगों को। यस, पहला काम था ये बनाना ऐसे। यस सर। उसके बाद फिर से जाएंगे, बस यहीं से उठा के ले लिया अपना। वन टू एट। हाँ बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आगे चलू? यस सर। लेकिन ना अगर ये पावर में होता बेटा, अगर ये चीज पावर में होती तो मैं मान लेता। यस सर। लो एक और बढ़िया वाला, ये ध्यान देना। ए प्लस बी। हाँ है, कुछ नहीं घुमा रहा है बस आपको। प्रॉपर्टी लगानी है बस, जबरदस्त वाली, अच्छे वाली। यस सर। आ रहा है कुछ इस तरीके का? यस सर। थ्री की पावर है। हाँ वो थोड़ा सा ऐसा हो गया। यस सर।
गड़बड़ तो नहीं की हम लोगों ने? दो सर सही है। अब इसे बनाओगे ऐसे? यस इधर x की पावर b माइनस 3 है। भाई ये सर अब क्या होगा बेटा? सर अब क्या होगा इसके आगे? हाँ ये मेरे को लग रहा है कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन। यस सर क्वेश्चन ही गड़बड़ लग रहा है। हाँ कुछ क्योंकि क्योंकि देखो पावर कंपैरिजन पे तो अब जा ही नहीं पा रहा ना मैं। यस सर नेगेटिव हो जाएगा। चलो इसे अगले बार अब देखते हैं क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कल की क्लास भी इस पे ही ले लेते हैं फिर ये खत्म हो जाएगा हमारा। यस सर।